अजमल की पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी। असम से सांसद हैं एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल। मोदी पर दिया देश से बाहर करने वाला विवादित बयान। किसी कोने में खोलेंगे चाय की दुकान और बेचेंगे पकौड़े। चुनावी मौसम में जैसे नेता कसम खाकर उतरते हैं कि जबान पर तो काबू रखना ही नहीं है, कोई पीछे रहना नहीं चाहता। अब एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की है। असम के चिराग में बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सारे विपक्षी दल मिलकर मोदी को देश से बाहर निकालेंगे और इसके बाद किसी कोने में मोदी चाय की दुकान चलाएंगे और साथ में पकौड़े भी बेचेंगे। अजमल असम के धुमरी से सांसद हैं और उन्होंने पीएम मोदी पर ये अशोभनीय टिप्पणी की है। सियासी रंजिश में क्या इतना भी याद नहीं रहता कि हम किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं अगर उसे दोबारा सुने तो शर्मिंदगी ही महसूस होगी। हर दल के नेता एक से बढ़कर एक टिप्पणी कर रहे हैं सियासी विरोधियों पर। बोलने के बाद जब पूछो तो कह देते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। लेकिन जब उनकी कही बात को जनता कई कई बार सुनती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्या बोला और तब भी अपनी बात पर उनको शर्म महसूस नहीं होती। बदरुद्दीन ने 12 साल पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था और इस बार भी उनकी पार्टी चुनाव में है। चुनाव प्रचार के दौरान असम में उन्होंने पीएम मोदी पर बोला कि चुनाव बाद सारे विपक्षी दल मोदी को देश से बाहर निकालेंगे और इसके बाद वो किसी कोने में चाय की दुकान चलाएंगे और पकौड़े भी बेचेंगे। पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना चाहिए, फिर चाहे वो बदरुद्दीन हो या फिर कोई और नेता।